मम्मी ने मुझे कहा कि तुम कब आओगी, मैंने कहा कि मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं आऊंगी। फिर उसके बाद ये जब सब कुछ चल रहा था, उनसे बात हुई, मैंने मॉर्निंग में सुबह 7 बजे या 8 बजे के करीब फोन किया पूछने के लिए कि अभी क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा अभी भी पुलिस की तरफ से कोई नहीं आया है। 10:30 या 11 बजे आकाश भैया ने मुझे बताया कि उन्होंने मम्मी ने साइन किया है। जो बोल रही है अनुराधा जी सही बोल रही है कि मैं टिकट कराई मम्मी का, मेरी लड़की के बारे में अनुराधा ने ही मुझे बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया। मेरा और किसी से बात नहीं हुआ, किसी ने मुझे फोन नहीं किया कि आपकी लड़की का डेट हो गया या कुछ हो गया, मुझे किसी ने नहीं बताया। इन्होंने मुझे बताया कि मम्मी आकांक्षा को क्या हुआ, बोली क्या हुआ आकांक्षा को, बोलती है वो सुसाइड कर ली। बोली मेरी आकांक्षा सुसाइड कर ली, कौन बोला इतना ही करके? मैं बोली अच्छा रुको मैं लगाती हूँ अपनी रानी के मोबाइल पर फोन। तो मैंने अपने रानी के मोबाइल पर फोन लगाना चालू किया तो दोनों फोन किसी ने उठाया नहीं दोनों फोन। फिर एक बार एक जन उठाए, कोई जन, उन्होंने बोला कि भाई क्या कौन हो आप? मैं बोली मैं आकांक्षा की मम्मी हूँ, मेरी लड़की का फोन है ये, मुझसे बात कराओ। तो बोले चलो रखो बाद में बात कराता हूँ। मैं बहुत डर गई, बोले भाई मेरी लड़की का मोबाइल कौन उठाया? फिर मैं फोन लगाती गई दोनों मोबाइल पे, अपने रानी के मोबाइल पे दोनों पे फोन लगाती गई मैं। अब उठाए मुझे बोले मैं बनारस जनपद पार्ला से बोल रहा हूँ। तो मैं बोली मेरी आकांक्षा कहाँ है? तो बोले कि नहीं। तो मैं बोली मेरी लड़की आकांक्षा बोले कहाँ है, वो मुझसे बात कराइए क्या हुआ। तो बोले चलो रखो बाद में बात कराता हूँ। तब से सब चारों तरफ से सब फोन आने लगे, सब मेरे घर पे जुटने लगे। मैं बोली आज मेरे घर पे इतना आदमी ये सब उतने तो भी अनुराधा जी आई रोते रोते घर पे टिकट का। मैं बोली अभी मेरा तो कोई नहीं है कि मैं किसे करूं। राशिद जी मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, मम्मी को घर पे मिलने के लिए नहीं आई। मधु जी अनुराधा आपसे कुछ कहना चाहती है। अनुराधा आप सीधे तौर पर बात कर सकती हैं, आपको मधु जी सुन रही हैं। मधु जी आपको कुछ कहना होगा तो आप अनुराधा से कह सकती हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि देश सच जाने, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। 7 दिन गुजर चुके हैं, आकांक्षा दुबे की मौत के राज अभी तक खुले नहीं है। समर सिंह को भी लेकर के आप दोनों से ही मैं सवाल करूंगा, लेकिन अनुराधा अगर बीच में आप रिबट करना चाहती हैं, मधु जी से बात करना चाहती हैं, आप कर सकती हैं। आप दोनों लाइव हैं, 130 करोड़ हिंदुस्तान सुन रहा है, देख रहा है। माँ मैं आपसे घर पे मिलने नहीं आई थी, मैं आपको एयरपोर्ट पे मिली थी जहाँ मैं आपकी टिकट निकाल के खड़ी थी। मैं समझ सकती हूँ आपकी हालत, आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एयरपोर्ट पे मिली थी। मैं घर कैसे जाओगी? मैं घर पे नहीं आई थी। बोलू टिकट कौन टिकट? मैं तो जाऊंगी टिकट। मैंने फोन पे, मैंने ये बात फोन पे कही थी, सब कुछ करती थी। अब मैं किससे बोलूँ की मैं कैसे प्रणियल पास जाऊं?